हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल अलग तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, ये झटपट से बन जाती है। एक करी अगर आपको पसंद ना हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 अंडे को उबाल लिया है। इसे छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेंगे। आप अपने चॉइस के मुताबिक इसे शेप दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसे भाजी की तरह कट कर लिया है। गाइज, अक्सर ये होता है कि हर फैमिली में देखा जाता है किसी को कुछ पसंद नहीं होता तो किसी को कुछ पसंद नहीं होता। अगर आपको एक करी पसंद ना हो तो इस एक रेसिपी को आप एक बार बनवा के ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक फ्राई पैन, उसमें ऐड किया 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसकी जगह पर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई ऑनियन और 5 से 6 ग्रीन चिली। इसे थोड़ा चटपटा बनाएंगे ताकि ये बहुत अच्छा भी लगे और स्पाइसी भी रहे। इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 2 टमाटर। मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को इसमें ऐड किया है, जिसे बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा टमाटर पसंद ना हो तो इसे कम ही यूज़ करें या स्किप कर दें। इसे भी हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। गाइज, इसे बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करना है। इसे मीडियम टू हाई पे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें ऐड करी मैं 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने एक के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करेंगे और हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि प्याज ज़्यादा गल ना जाए। इसमें ऐड करने के लिए मैंने जो प्यूरी बनाई है उसमें ऐड किया है टमाटर, ऑनियन, जिंजर गार्लिक और 2 ग्रीन चिली। अगर आपको ग्रीन चिली ज़्यादा लगे तो इसे स्किप कर दें। आप देख सकते हैं प्यूरी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, ऑनियन भी हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें हम इसको ऐड करके मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। इसमें ऐड करी मैं 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली, जिससे कलर बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको पसंद हो तो इसे ऐड करें वरना स्किप कर दें। इसकी जगह पर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। गाइज, आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन के घंटी को ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और इसमें ऐड किया मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर। गाइज, इसमें मैंने ज़्यादा मसाले को ऐड नहीं किया है, बिल्कुल हल्के मसाले से इसे बनाया है और ये बहुत यमी बनेगी और झटपट से बन भी जाएगी। गाइज, इसे ईजिली हम 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल कच्चा ना रहे। गाइज, इसे बारी बारी से चलाते हुए मसाले को बहुत परफेक्ट तरीके से भून लेना है और मसाला बिल्कुल कच्चा ना रहे। गाइज, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और फैमिली में इंजॉय करिए, ये बहुत टेस्टी लगती है और ख़ास करके लंच बॉक्स के लिए तो बहुत परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको लंच बॉक्स में कुछ समझ में ना आए कि बच्चे को हम क्या बना के दें तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके फैमिली में एंजॉय कराइएगा। गाइज, ऐसी ही न्यू और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसे एंजॉय करते रहें। गाइज, अब देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है। मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। इसमें ऐड कर रही मैं चॉप किया हुआ एक, जो मैंने इसे छोटे छोटे पीस में चॉप कर लिया है, एक मसाले में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम 1 से 2 मिनट तक बराबर से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर देना है क्योंकि मसाला तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन चुका है, इसे कच्चा रहने का डर नहीं है और एक भी बॉयल किया हुआ है, तो इसे सिर्फ हम मिक्स कर देंगे और इसे फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे ताकि ये और भी यमी दिखे। गाइज, इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हम इजीली बना सकते हैं। अगर एक बॉयल करके पहले से रखा हुआ हो तो इसे हम झटपट से 2 मिनट में बना के बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। ये रेसिपी बहुत आसान है और ख़ास करके लंच बॉक्स के लिए तो बहुत परफेक्ट है। तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं रेसिपी में हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये प्लेटिंग करने के बाद से कैसी दिख रही है।
ऐसी ही आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मैं ऐसे ही आसान रेसिपी झटपट से बन जाने वाली आप सबके लिए अपलोड करती रहती हूँ, तो आप उसे देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसे मैं प्लेटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसी दिख रही है। गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेटिंग कर दिया है। ये प्लेटिंग करने के बाद से कितनी अच्छी दिख रही है। तो बन गई ना झटपट से हमारी रेसिपी। अगर आपको एक करी पसंद ना हो तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो गाइज आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।